किसान नेताओं को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए तमाम विवादित बयान और मुख्यधारा की मीडिया में किसानों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश के बाद भी लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन को ना रोक पाने के बाद अब जैसे जैसे 2022 यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के मुखर विरोध से भाजपा की अब तक कई जगह किरकिरी हुई है। इसी क्रम में किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में स्थित राकेश टिकैत के गांव सिसौली में भाजपा के विधायक उमेश मलिक के काफिले को न सिर्फ किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा बल्कि किसानों ने विधायक की गाड़ी पर काला तेल तक फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक बुढ़ाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमेश मलिक अपने काफिले के साथ सिसौली में हो रहे जन कल्याण समिति की वर्षगांठ के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सिसौली में काफी संख्या में मौजूद किसानों द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भाजपा विधायक की गाड़ी पर टूट पड़े। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी पर कीचड़ और काला तेल भी फेंका, जबकि भाजपा के लोगों का आरोप है कि इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे भाजपा विधायक बाल बाल बच गए। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। घटना के बाद भाजपा विधायक आरोप लगा रहे हैं कि हमला करने वाले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे। हालात को देखते हुए एहतियातन सिसौली गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुल मिलाकर जिस तरह किसान भाजपा से लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ऐसे में पश्चिम में तो बीजेपी की 2022 की राह आसान नजर नहीं आती। से पहले राष्ट्रीय लोकदल अपने भाईचारा सम्मेलन से जाट और मुसलमानों को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बदलते समीकरण के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जाटों को अपने साथ जोड़कर रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।